लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के चलते उधमपुर में जो पानी का जलस्तर है वो लगातार तवी और नालों में बढ़ता जा रहा है। इस समय हम उधमपुर की एक तवी में मौजूद हैं। तवी के आसपास का इलाका मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप तवी का ये जो जलस्तर है, जो पानी का बहाव है, ये अपनी टीवी स्क्रीन्स पर तस्वीरों पर आप देख रहे हैं कितना तेज पानी का ये बहाव है। और अभी भी आपको बता दें तो बारिश लगातार हो रही है, जिससे पानी का बहाव भी और जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इन लहरों की बात करूं तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आज ये लहरें शायद आकाश से बातें कर रही हैं। जिला प्रशासन ने कुछ ही देर पहले यहां पे खास तौर पे हिदायतें और एडवाइजरीज जारी की हैं। ये निर्देश दिया गया है कि लगातार जो लोग इन तवी और नालों के आसपास में रिहाइश रखते हैं, उन लोगों को साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग किसी सुरक्षित स्थानों के लिए निकल जाएं, किसी सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि आने वाले जो घंटे हैं, जो आने वाला समय है, उसमें पानी का जो बहाव है वो और बढ़ सकता है। क्योंकि मौसम विभाग भी ये कह चुका है कि बारिश जो है वो शायद आज शाम तक और भी तेज हो सकती है। तो जिसके चलते प्रशासन यहाँ पे सतर्क है, सचेत है, और इन लोगों को, जो आसपास के लोग हैं जो शायद इस हालत में नहीं है कि कहीं जा सकते हैं, तो प्रशासन भी लगातार इस तैयारियों में है कि उन लोगों को यहाँ से किसी सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा दिया जाए। और इसी तरह का अगर आप देखें तो हाल पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का है, और पूरे देश की भी अगर बात करें तो पानी ने जो है वो प्रलय मचाई हुई है। यहाँ पे भी जो जल स्तर है, जो पानी का बहाव है, वो इतना ज़्यादा तेज़ है कि मैं आपको यहाँ से शायद बयां ना कर पाऊँ कि जो पानी की आवाज़ है वो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ तक पहुँच रही है। और एक और मैं आग्रह भी यहाँ से आप सबसे करूँगा कि कृपया करके कोई भी व्यक्ति इसी तरह पानी के आसपास ना जाए, तवी और नालों के आसपास ना जाए। हमारे साथ पूरी एक जो टीम है संयुक्त रूप से, जिसे तैयार किया जाता है, हम पूरी टीम की देखरेख में, पूरी टीम की निर्धारिता पे यहाँ तक आए हैं, हम इजाज़त लेके टीम से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोगों से ये आग्रह है कि किसी भी तरह इस भर्ती बारिश में, या जिस तरह से पानी का जो जलस्तर है, पानी का बहाव है, किसी भी तरह के जो कुदरती स्रोत हैं पानी के, नदियों की बात करें, नालों की बात करें, तो वहाँ तक ना जाएं, ताकि आप अपनी और अपने साथ साथ अपने परिजनों की जान को भी सुरक्षित रख सकें। वीरेंद्र जी दुबे के साथ सुमित शर्मा, जगह 24/7 न्यूज़, उधमपुर।